हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुबना का आशियाना। सो दोज़ हू आर न्यू ऑन माय चैनल, मैं हूँ लुबना एंड आई मेक व्लॉग्स अबाउट लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग एंड समटाइम्स कुकिंग। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि तब्बू और उनके कुछ फ्रेंड्स निकले थे साबिर पाक की दरगाह के लिए, और वहाँ पहुँचने से पहले कुछ दरगाहों की ज़ियारत भी करी, जिसमें से पहली दरगाह हज़रत शम्सुद्दीन तुर्क पानीपति की थी, जो कि एक वाहिद यानी एक लौते ऐसे मुरीद थे जिन्होंने हज़रत साबिर पाक सरकार की 19 साल तक खिदमत करी थी। आने वाले वीडियो में छोटा सा वाक्य मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये सजावट आप देख सकते हो, ये हर साल ईद मिलाद के पाक महीने में हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का उरूस इसी तरह मनाया जाता है। दुनिया के हर कोने से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, और साबिर पिया का लंगर तो दुनिया में वैसे ही मशहूर है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की दरगाह के बाद ये एक ऐसी दरगाह है जहाँ सवाली हिंदू हो या मुस्लिम, फैज़ पाने के लिए हर कोई यहाँ पर आता है। बात करी जाए हिस्ट्री की तो आप हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी अफ़गानिस्तान के हीरत शहर में आपकी पैदाइश हुई, और बचपन से ही आपको दुनिया से कोई मतलब ना था, बस नमाज और कुरान पढ़ते रहते। वालिद के गुजरने के बाद आप अपनी वालिदा के साथ पाकिस्तान के पाक पटन शहर में बाबा फरीद गंज शकर के पास आ गए, जो कि आपके वालिदा के छोटे भाई थे। अब से अली अहमद के खाने पीने का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी हुई, ऐसा आपके वालिदा ने आपके मामू जान यानी बाबा फरीद से कहा, और उसी दौरान बाबा फरीद ने आपको लोगों को खाना खिलाने यानी लंगर खाने का सारा जिम्मा आपको दे दिया। कुछ साल बाद आपकी वालिदा पाकिस्तान आई और देखा कि मेरा बेटा काफ़ी सेहत से दुबला हो चुका है और उसकी ऐसी हालत होने का क्या राज है। वो अपने भाई यानी बाबा फरीद से पूछने लगी, जवाब में कहा कि हमने तो कोई कमी नहीं रखी और लंगर खाने का सारा जिम्मा ही अली अहमद साबिर कलियर को दिया था ताकि वो ही लंगर बाटे। आपसे पूछने पर आप हज़रत अली अहमद ने फरमाया, बेशक ये सच है कि लंगर बांटने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, लेकिन लंगर से खाने की इजाज़त नहीं। अगर लंगर का खाना ना खाया तो अब तक कैसे ज़िंदा हो। आपने फिर फरमाया कि जंगल में जाकर जो कुछ उन्हें मिल जाता वो खा लेते। आपके इसी सब्र को देखकर बाबा फरीद गंज शकर आपके मामू जान ने ये साबिर का लकब आपको अता किया और कलियर शरीफ जाने का हुक्म भी दिया। कलियर शरीफ में आपने बाकी की तमाम उम्र वही गुजार दी। तो ये था एक वाक्या हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी का। कलियर शरीफ रुड़की से निकलकर तब्बू और उनके दोस्त पहुँचे सीधा दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में, जहाँ पर आपको 2 से 3 दरगाह देखने को मिलेगी। और सबसे पहली दरगाह जो मज़ार है वो है अमीर खुसरो की, और फिर है शाहजहाँ की बेटी यानी जहाँ आरा बेगम, उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरे कॉम्प्लेक्स में 70 से भी ज़्यादा मज़ारे हैं और एक जमात खाना मस्जिद भी। इस दरगाह के बारे में मैंने डिटेल में बात करी हूँ और इसका एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाई हूँ, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट की वॉकिंग करने के बाद तब्बू और उनके फ्रेंड्स पहुँचे एक दरगाह में, जिनका नाम था हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी, और आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। चलो चलो चलो, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती निज़ामी सरकार की ज़ियारत करके तब्बू और उनके फ्रेंड्स निकल पड़े दूसरी दरगाह की ओर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की दूरी पर थी, यानी चिरागे दिल्ली से महरौली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास, जहां हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह शरीफ है। एक। एक।
ये जेद सलमान चल आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ा थे और आपका सिलसिला चिश्ती घरानों में से था। ख्वाजा गरीब नवाज़ की खिलाफत और निस्बत से आप दिल्ली के महरौली शहर में आकर आपकी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की राह में और लोगों की मदद करने में गुजार दी। आपका असली नाम कुतुबुद्दीन था और बख्तियार आपको खिलाफत के बाद मिला। काकी का लकब आपको दिल्ली में रहने वाले लोगों ने दिया क्योंकि आपने उस ज़माने में कई सारे मौजज़े किए। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बाबा फ़रीद के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी मज़ार शरीफ पाकिस्तान में है, एक ज़माने में बाबा फ़रीद भी आपके मुरीद थे और उन्हें आपसे काफ़ी सारी तालीम हासिल हुई और आपने फैज़ भी पाया। ऊपर भी है झाड़ के ऊपर भी मटके लगे हैं। क्या हाल है? चले क्या? और इसी के साथ तब्बू और उनके फ्रेंड्स की ये जर्नी भी कंप्लीट होती है। और इस ईद मिलाद तब्बू काफ़ी खुशनसीब थे कि उन्हें हर उस दरगाह का बुलावा आया जिस दर पे जाने की ख्वाहिश लोगों के दिलों में आज तक कहीं ना कहीं रहती होगी। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।